यूपी बिहार से लेकर राजस्थान हरियाणा बंगाल तक 10 राज्यों में अग्निपथ योजना पर आग फैल गई है। आइए आपको बताते हैं कहां कहां पर बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से बिहार, यूपी और हरियाणा में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है और यूपी के बलिया में ट्रेन भी जला दी गई है। अग्निपथ योजना के विरोध में कहां कहां पर बवाल मचा है, आइए आपको बताते हैं। बिहार के लखीसराय, बेगूसराय, हाजीपुर, मुंगेर, खगड़िया, औरंगाबाद, समस्तीपुर और बेतिया समेत कई जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर टायर जला दिए हैं। 4 जगहों पर ट्रेनों में आग लगाने की भी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी एक ट्रेन को आग के हवाले किया गया। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं हरियाणा के करनौल में प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त के घर के सामने प्रदर्शन किया, उनके घर पर पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह न सिर्फ सड़कें जाम की बल्कि रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया। पटरियों पर टायर जलाए गए और कई ट्रेनों में आग लगा दी गई है। रेलवे ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के चलते 34 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा, जिनमें 29 यात्री ट्रेनें थी। वहीं 72 ट्रेनें लेट चल रही हैं। आज भी 38 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ नारेबाजी की है बल्कि सड़कों पर जाम भी लगाया है और पत्थरबाजी भी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक अलीगढ़, आगरा में प्रदर्शनकारियों ने बसों पर पत्थरबाजी की। इसके अलावा बुलंदशहर, मथुरा, फिरोजाबाद और बलिया में भी प्रदर्शन हुए हैं। आज सुबह यूपी के बलिया में एक ट्रेन जला दी गई। वहीं वाराणसी में एक बस में तोड़फोड़ की गई है।